हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो लेकर के आई हूँ वो पेट का कंप्लीट कोर्स लेकर के आई हूँ। हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसका मैं आपको पहला एक वीडियो दे चुकी हूँ और आगे जो उसके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो हमारा सेकेंड टॉपिक हो जाएगा, इतिहास का ही है, वो होगा हमारा वैदिक संस्कृति का। मैं इसका एक वीडियो आपको दिया है, पहले एक बार आपका इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आपका ये सभी है, इसे 15 खंड में डिवाइड कर रखा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे इतिहास से। इतिहास में हमने अभी तक से सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया है और आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं है, आपको ये फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन दे रखा है। कम टाइम में आपको इसका रिविज़न मिल जाएगा, अभी इससे मुश्किल से 1.5 महीना बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए। तो 1.5 महीना में अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करने बैठ गई तो मुझे नहीं लगता है मैं 1.5 महीने में इसे करा पाऊँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृति को। चलिए चलते हैं वीडियो को रखकर टाइम ख़राब ना करते हुए। तो पहला पॉइंट है आपका, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस टाइम को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। जिस काल में ऋग्वेद के अलावा अन्य वेदों की रचना हुई उसको कहते हैं वैदिक काल। वो कौन सा टाइम है? वो टाइम होता है आपका 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, आर्य जो हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व भारत में आए ऐसा माना जाता है। इनके आने का जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि आर्य जो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे आकर के। आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। जो भाई बहन पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम टाइम में आपका विज़न हो जाएगा। और जो नए नए जुड़े हैं उनसे मैं फिर से यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को एक दो बार देख लें, फीड वगैरह को पढ़ लें, तो आपका जितने भी यहाँ से मैं फैक्ट आपको करा रही हूँ सभी तो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मुझे लगता है एग्ज़ाम के टाइम आपको अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं उस पर तो अगर देखने को मिल जाता कहीं एग्ज़ाम में ही आपको, तो मुझे लगता है कि माइंड में आपको टिक करेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इनमें से कोई भी आपका प्रश्न वहाँ आ जाता है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये भी है इसमें, लगभग सभी इम्पोर्टेंट मैंने कहा ना, सभी फैक्चुअल लेकर कहीं सभी इसमें वन लाइनर हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो इसका अर्थ होता है आर्य शब्द का कुलीन, श्रेष्ठ। ये बहुत पूछा जाता है और आजकल उत्कृष्ट को शब्द को भी एग्ज़ाम में बहुत रखने लगे हैं। भारत में आने वाले आर्य इन्हें क्या कहते थे? इन्हें कहते थे इंडो आर्य। भारत में जो आए थे आर्य इन्हें इंडो आर्य कहा जाता था। भारत में आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली, ऐसा माना जाता है कि भारत में जब आर्य आए थे तो इन्होंने ही वैदिक सभ्यता की नींव डाली थी। आर्यों ने प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वेद था। आर्यों के जो प्राचीन आदरणीय ग्रंथ हैं वो वेद था। आर्यों के सबसे प्राचीन वेद है उसे ऋग्वेद को मानते हैं। आर्यों क्या जो वेद हैं, चार वेद हैं, उनमें सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को ही माना जाता है और ऋग्वेद ही है। आर्यों के समूह को विश कहा जाता था। आर्य लोग जो हैं जो आर्य नहीं हुआ करते थे, यानी कि जो अनार्य लोग थे उन्हें दस्यु या फिर दास कहते थे। कैसे कहते? जो आर्य नहीं थे तो उन्हें आर्य लोग अनार्यों को दस्यु कहते थे, दस्यु या फिर दास कहते थे। इनके अब आहार की बात करते हैं। इसका आर्यों का आहार जो हुआ करता था क्या था? अन्न था। अन्न के साथ साथ मांसाहारी भी थे, यानी कि मांस का भी सेवन करते थे। आर्य जो हैं धार्मिक अवसरों पर सोमपान करते थे। एक वृक्ष हुआ करता था उसका रस वगैरह निकाल करके पिया करते थे। लोग कहते हैं कि मदरा का सेवन करते, ऐसा कुछ नहीं है। मदरा और सोमपान में बहुत फ़र्क होता है। तो इस सोमपान का धार्मिक अवसरों पर प्रयोग किया करते थे। आर्यों के प्रमुख देवता हैं, तो प्रमुख देवता ये इंद्र हैं। आर्य युद्ध करते समय जो है दुदुम्बी बजाते थे। दुदुम्बी क्या होता है, जब आजकल मूवी में बहुत दिखाई जाती है सारी चीज़ें, कुछ इस टाइप से बना हुआ था, ये तो कुछ और ही चीज़ बनी है। तो तुरई टाइप की होती थी, कैसी इस टाइप से बनी होती थी, आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, मुझे अच्छे से बना नहीं आ रहा। इस टाइप से कुछ होती थी, उसे बजा करके युद्ध वगैरह की शुरुआत करते थे। ठीक है, आर्यों का प्रधान पैसा जो है पशुपालन और खेती करना ही था।
पशुपालन करते थे और खेती करते थे, इनसे इनका रोजी रोटी वगैरह उनका जो भी इनका इसी से गुजारा होता था। बात करते हैं आगे हम इसमें आर्यों ने, आर्य जो हैं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। अब प्राकृतिक शक्तियों में कौन कौन शक्तियाँ थी? वर्षा के देवता जो हैं इंद्र हैं, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य, तो इन सभी की पूजा करते थे। आर्य हैं, आर्य जो हैं दार्शनिक ऋषि कहलाते थे। आर्य घोड़ों को ज़्यादा महत्व देते थे, ऐसा माना जाता है कि ये घोड़ों को बहुत महत्व दिया करते थे। सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्व देते थे। आर्य कबीलों में रहते थे, उनके संरक्षक जो है राजा कहलाते थे। कबीलों में रहते थे ये और इनके जो संरक्षक हुआ करते थे उन्हें राजा कहा जाता था। अब इनके मनोरंजन की बात करें आर्यों के, तो मनोरंजन में ये लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़ और जुआ आदि सब इनके मनोरंजन के साधन थे। इनकी भाषा की बात की जाए तो भाषा इनकी थी संस्कृत। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में कि उन लोगों को जो तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन सभी धातुओं का ज्ञान था, लेकिन आर्य लोगों का, आर्य लोग जो हैं इन लोगों को लोहे की धातु का भी इन्होंने खोज कर ली थी। आर्यों के समय में समाज चार वर्ण में विभाजित था। सिंधु सभ्यता में समाज चार वर्ण में विभाजित था। आपने अगर वीडियो देखा तो कमेंट करके बताइए सिंधु सभ्यता में समाज के जो चार वर्ग थे उनमें किस किस में विभाजित था वो। यहाँ पर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। समाज चार भागों में विभाजित था, वो कौन कौन सा था? तो आर्यों के समय में समाज की प्रमुख इकाई क्या हुआ करती थी? जो परिवार थी। आर्यों के समय में समाज की प्रमुख इकाई है वो परिवार थी। समाज की छोटी इकाई की बात करें, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो कुल या फिर परिवार थी। कई परिवार मिलकर, जब कई सारे परिवार मिलते हैं तो गांव का निर्माण करते हैं। एक गांव बनता है, ग्राम बनता है, ठीक है, या फिर इसे कह लो गोत्र बनता है। तो जब कई सारे गांव मिल जाते हैं तो विश्व का निर्माण करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व क्या होता है। आज के प्रेजेंट की बात की जाए, जैसे कि हमारे कई जो अपने प्रेजेंट की बात करें, बहुत सारे परिवार होते हैं। जब परिवार बहुत सारे एक मिल जाएंगे तो एक गांव बन जाता है, जो हम सभी गांव में ही रहते हैं। और जब बहुत सारे गांव मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रेजेंट की बात करें तो बताएं, उस टाइम में तो सिर्फ विश्व कहते थे। और जब बहुत सारे विश्व मिल जाते हैं तो एक जन का निर्माण होता है, ठीक है। समाज में चार आसन व्यवस्था थी, वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार आसनों की व्यवस्था थी। समाज में जातीय, अंतरजातीय, विधवा, विवाह, ये सभी प्रचलित थे, जो कि आज भी समाज में आपको देखने को मिलते हैं। जातीय विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, विधवा विवाह को भी बढ़ावा हम देते ही हैं। तो ये सभी चीज़ें उस टाइम में, वैदिक टाइम में थी और आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेणी कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणि कहते थे। जो बिजनेस करने के लिए दूर दूर तक जाते थे उन्हें पणि कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति, और कोई ऋण देकर के ब्याज ले रहा है, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैंक नोट या फिर सूदखोर, जो कि आज के टाइम में भी होते हैं, तो ये वाली व्यवस्था यहाँ पे वैदिक काल में देखने को मिलती है। आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वो कौन से हैं? वास है, अधिवास है और उष्णीस है। ये तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनके अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहने जाते थे नहीं, नीवी कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे, अमाजू, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी। जैसा कोई कार्य करता था उसी आधार पर वर्ण व्यवस्था को आधार कर रखा था। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का। ईरानी भाषा का ग्रंथ क्या है? अवेस्ता। और भारतीय ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। तो अवेस्ता की तुलना किससे की जाती है? ऋग्वेद से की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ में से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। राजा की उत्पत्ति के विषय की बात की जाए तो प्रथम साक्ष्य ऐत्रेय ब्राह्मण से देखने को मिलता है। किसके? राजा की उत्पत्ति।
भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा ऐसा मानते हैं। अब इसके विषय में भी बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, लोक कथाएँ बनी हुई हैं। कोई कहता है कि राजा दशरथ के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा है। कोई कहते थे कि भरत ने 10 राजाओं से युद्ध जीता था, उसके बाद ये उन्होंने विजय हासिल की थी, तो वहाँ से इनका नाम भरत था, तो यहाँ से भारतवर्ष नाम पड़ा। तो अपनी अपनी अलग अलग सबकी कथाएँ हैं इनकी। तो भारत का जो नाम है भारतवर्ष, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत तथा कुरु कबीलों ने मिलकर कुरु वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? तो ये कुरु वंश की स्थापना की। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहली बार कहाँ मिलता है? तो सबसे पहली बार ये वैदिक काल में देखने को मिलता है। पूर्व पुरुषों की पूजा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। पूर्व पुरुषों यानी कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उन सब की पूजा वगैरह कहाँ देखने को मिलती है? यहीं से प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल से। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख जो है काठक संहिता से मिलता है। कितने? 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का जो उल्लेख है तो कहाँ से मिलता है? काठक संहिता से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण से मिला है। ऋग्वेदिक काल में संपत्ति का प्रमुख रूप जो माना जाता है वो जो गोधन को मानते हैं। गाय इनकी बहुत प्रिय पशु मानी जाती है। वैदिक काल में गाय को ही पूरी संपत्ति, सब कुछ गाय को ही माना जाता था। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो यव और गेहूँ थी। यव यानी कि जौ। तो ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ और गेहूं को मानते थी ये। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो है वो विदत थी। ऋग्वेद में जन का जो है 275 बार और विष का जो है 170 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता जो हैं वो कौन थे? वो थे प्रजापति। आगे चलते हैं। सभा और समिति, प्रजापति के दो पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आपसे फिर मैं यही कहूँगी कि जो बिल्कुल पहली बार आया है उन्हें तो नहीं समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भाई बहन पहले पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने क्लास ली है, मेरे चैनल पे आकर के ली है अनुराग सर के द्वारा, या फिर कहीं और से पढ़ के आए हैं, खुद से उन्होंने किताब से अपना पढ़ा, क्योंकि ये कम टाइम में रिविजन जाते हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। और जो नए नए, बिल्कुल मैं मना ही नहीं कर रही हूँ, पढ़ो, लेकिन 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ आपको यहाँ पे। मैं कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने दे रही हूँ कि ये चीज़ कैसे जुड़ी हुई है, इसका कैसा क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी टाइम नहीं। अगर ऐसा करना बैठ गई तो एक टॉपिक को मैं 2-2, 4-4 दिन में कंप्लीट कर पाऊँगी, और मैं यहाँ एक ही दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो में, ये आपको बता रही हूँ। तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का जो है 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? इंद्र देवता का। उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलन में थे। मृदभांड जो थे लाल थे, भूरे हैं, धूसर है, पता नहीं कई टाइप के मृदभांड हुआ करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लाल रंग के मृदभांड मिले हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। वहीं अगर सिंधु सभ्यता की हम बात करें तो वो समाज क्या कैसा था? वो था मातृसत्तात्मक, और एक विवाह का यहाँ प्रचलन था ऋग्वेदिक काल में। ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 शादियाँ कर रहे हैं मुगलों के टाइम की तरह, ऐसा नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक ही विवाह प्रचलन में था। ऋग्वेदिक कालीन शासन प्रशासन जो है गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार का था। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल जो है वो चावल और गेहूँ थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऋग्वेदिक काल की देखी थी, वो थी यव और गेहूँ। ये हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल की क्या है? चावल और गेहूँ। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसल थी। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। कृषि की समस्त प्रक्रिया मतलब कृषि कैसे की जाती है, खेत को कब जोतना होता है, कब उसे बोना होता है, कब उसमें पानी लगाना होता है, तो इस तरह की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, धान यव यानी कि जौ
गेहूँ, इन तीनों अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इनके साथ साथ यहाँ पे ईख का भी उल्लेख मिलता है, वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। तो ईख का उल्लेख जो है, ईख यानी गन्ने का उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। सिंचाई के साधन के रूप में बात करें तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता था सिंचाई के साधन के लिए, यहाँ पे वर्षा के जल पर निर्भर रहते थे, कूप और नहर। तो यहाँ से ही सिंचाई के साधन के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। कूप क्या होता है? कूप होता है तालाब वगैरह कह सकते हैं, या तालाब ही कहेंगे, कूप, कुआं, ये सभी इसी में आ जाएंगे आपके, ठीक है। नहर और वर्षा, इनके इस पर निर्भर रहा करते थे सिंचाई के लिए। तैतृय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, किसमें कहा गया है? तैतृय उपनिषद में। यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। वाजस्नेही संहिता तथा तैतृय उपनिषद में मछुआरे, धोबी, कुलाल एवं चिकित्सक आदि व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। इन सभी को देखने को मिलता है, किसमें मिलता है देखने को? वाजस्नेही संहिता और तैतृय उपनिषद में मछुआरे, धोबी, कुलाल और चिकित्सक की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में कोष यानी कि रेशम का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है ये? शतपथ ब्राह्मण में। मैत्रायणी ब्राह्मण में क्या मिलता है? छोम की जानकारी दी गई है यहाँ पे। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में तक्ष शब्द का उल्लेख जो है किसके लिए किया गया है? वो बढ़ई के लिए किया गया है तक्ष शब्द का उल्लेख, ठीक है। आगे चलते हैं, यजुर्वेद में देखते हैं। यजुर्वेद में केवर्त शब्द का जो उल्लेख है वो मछुआरे के लिए किया गया है। क्या चीज़ है? केवर्त। ऐत्र ब्राह्मण में श्रेष्ठी, ऐत्र ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का उल्लेख मिलता है यहाँ पे? श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है ऐत्र ब्राह्मण में। वाजस्नेही संहिता में गण तथा गणपति शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है ये? वाजस्नेही संहिता में। पूषण जो है वो क्या थे? शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे पूषण जो है। रुद्र की बात करें तो रुद्र जिन्हें ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था। किसे? रुद्र को ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था। इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में शिव भगवान के रूप में इन्हें पूजा जाने लगा था। ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक में देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 14 पुरोहितों का, तो ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का और उत्तर वैदिक काल में इसके दोगुने कर दीजिए, 14 पुरोहितों का वर्णन देखने को मिलता है यहाँ पे। ऐत्र ब्राह्मण में देखते हैं, ऐत्र ब्राह्मण पुत्री को जो है कृपण कहा जाता था। पुत्री शब्द के लिए यहाँ पे कृपण शब्द का प्रयोग किया गया है। तैतृय ब्राह्मण जो है पत्नी, इसमें कहा गया है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता, और ऐसा होना भी चाहिए भाई। अगर पति बिना पत्नी के कोई काम कर लेता तो ये तो अच्छी बात नहीं, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना पत्नी के साथ में। तो खासकर यज्ञ जैसे पवित्र कार्य के लिए पत्नी का होना जरूरी, तो ऐसा माना गया है कि इसमें तैतृय ब्राह्मण में कि पति जो है पत्नी के साथ ही यज्ञ कार्य को संपन्न कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ये कहाँ की बात है? बहुत इम्पोर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों का विवरण दिया गया है यहाँ पे। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितने 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद काल की बात करें, ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु है, और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती मानी गई है। ऋग्वेद में अयस धातु का उल्लेख, अयस क्या होता है? अयस जो है सब इंग्लिश में कहेंगे या फेरस होता है, या फिर लोहा कह लीजिए, लोहा धातु को यहाँ अयस कहा गया है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद काल में मिलता है। ऐत्र ब्राह्मण में हिरण्य,
पवित्र ब्राह्मण में हिरण्य, त्रिपु, सीसा, अयस एवं लोह का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का विवरण मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त में देखा गया है। किसका? चार वर्ण की जो बात की गई है वो सबसे पहले पुरुष सूक्त में इसका विवरण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले चार वर्णों के कर्मों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे चार वर्ण हैं तो उन चार वर्णों के काम क्या क्या थे, तो उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। सबसे पहले जावालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम कौन से? वही जो होता है वानप्रस्थ है, यानी ब्रह्मचर्य से शुरू होता है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास। तो ये चार आश्रम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये जावालोपनिषद से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो पॉइंट तो यहाँ कोई भी नहीं है, हम इसमें यहाँ पे दर्शन की बात करेंगे। जो सर दर्शन की बात करते हैं तो वो दर्शन कौन है, उसके रचयिता यानी दार्शनिक कौन है, रचयिता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी सबको याद कराने वाली है यहाँ पे। ये तो बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी इस तरह से, तो यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चारवाक जो है, चारवाक ही इनके रचयिता हैं और चारवाक इनका ही दर्शन है। कपिल का जो दर्शन है वो सांख्य। आपको याद कैसे रखना है कपिल को? कपिल जो कि क्रिकेटर हुआ करते थे, अब तो नहीं खेलते, पहले खेलते थे, तो कपिल जब क्रिकेट खेलेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली एक के अपने रन को काउंट करेंगे। तो इस तरह से आप इनकी सांख्य दर्शन को याद रख सकते हैं। तो कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि किसका ब्रांड है? वो हो जाता है आपका बाबा रामदेव का। तो रामदेव बाबा करते क्या? सबसे ज़्यादा योग करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये इनका योग याद हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलने वाले, एक बार ही आप इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए याद होने वाला है यहाँ पे। तो कपिल का सांख्य हो जाएगा, योग जो है पतंजलि को हो जाएगा। अब गौतम की बात करते हैं। गौतम कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम उन्हीं का तो नाम, जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ गया था। तो गौतम बुद्ध ने, तो वो क्या करते, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, यानी कि न्याय की बात कौन करते हैं? गौतम बुद्ध। तो आपको ये तीन तो बहुत अच्छे से याद हो गए, आप थोड़ी मेहनत आप खुद भी कर लीजिएगा याद करने के लिए। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी का है। तो पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में आता है। ठीक है, पूर्व पहले आ जाता है तो जैमिनी है इसके, और उत्तर बाद में आता है। मैं दिशा की बात नहीं कर रही, उत्तर पूर्व, मैं आगे पीछे वाले टाइम की बात कर रही हूँ। तो उत्तर जो है, उत्तर यानी बाद में, तो बाद से आपका ये हो जाएगा बादरायण। अब वैशेषिक को देखते हैं। वैशेषिक में क्या हो जाएगा? कनाद या फिर इन्हें कहा उल्लू को। अब उल्लू एक पक्षी होता है जिस तक सभी जानते होंगे, वो सबसे सभी जानवरों से कुछ थोड़ा पक्षियों से थोड़ा हटके होता है। उसकी आंखें देखें गोल गोल अजीब सा दिखता है, तो वो थोड़ा विशिष्ट टाइप का होता है। तो इससे आप वैशेषिक किसका हो जाएगा? उल्लू या फिर कनाद का। तो इस तरह से आप इसे कभी नहीं भूलने वाले। चार तो मैंने आपको याद करा दिए, कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग, गौतम का न्याय, जैमिनी का पूर्वमीमांसा, उत्तर जो बाद में होता है बादरायण, और विशेष जो है उलूक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट को, आगे क्या क्या है इसमें ऋग्वेदीकालीन। अब नदियों को देखते हैं, प्राचीन नाम इनके क्या क्या थे और आधुनिक नाम इनके क्या हैं। कुरमू नदी जो है इसका प्राचीन नाम है, और आज के टाइम में इसे कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं। कुवा नदी, कुवा इसका प्राचीन नाम है और काबुल इसे प्रेजेंट में कहते हैं। वितस्ता नदी को हम झेलम नाम से जानते हैं, जो कि आज के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अस्कनी इसका पुराना नाम है चिनाब, ये भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही है, चिनाब नदी कहते हैं इसे। परुषणी रावी नदी को कहते हैं। शतुद्री नदी को सतलज नाम से जानते हैं, जो आज भी हमारे उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित है। विपाशा नदी को व्यास नाम से जानते हैं। सदानीरा को गंडक कहते हैं। दृश द्वती नदी को घग्गर नाम से जानते हैं। गोमती, बाकी सभी तो ऐसा लगता है कि सीक्वेंस दे रखे हैं, लेकिन गोमती, हम आज भी गोमती नदी को गोमती ही कहते हैं, जब गोमल नहीं कहते। ऐसा लगता है कुछ उल्टा यहाँ कर दिया गया है, गोमल नाम यहाँ पे होना चाहिए तो गोमती यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पुराने नाम से भी आज गोमती को पुकारते हैं, गोमल नाम से कोई नहीं से जानता है। और रही बात लास्ट की नदी की, कौन सी है अपनी? सुवस्तु नदी, तो इसे कहते हैं स्वात नदी के बारे नाम से जानते हैं, जिसका आधुनिक नाम है।
इस तरह से आपकी ऋग्वेदिक कालीन सभी नदियाँ हो गई। इन्हें भी आप देख लीजिए एक झलक इसमें से, क्योंकि हो सकता है कभी कभी नदियाँ वगैरह भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में कि किस नदी का प्राचीन नाम क्या था और आज उस नदी को किस नाम से जानते हैं। आगे वेद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वेद जो कि आपके सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सिक्वेंसन का ही रहता है। सबसे पुराना वेद जो है अथर्ववेद है। इन तीनों वेद के बाद में सबसे बहुत टाइम बाद इसकी अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसके बाद में देखते हैं वेदांग को। छह वेदांग हैं, वो कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष। तो जैसे कि चार जो आश्रम थे, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण को ब्रह्मा के भुजा से, जंघाओं से, इस तरह से लिया गया। इस तरह से शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है, कि जो वेद हैं तो वेद की नासिका का नाम कहा गया है, नासिका कहा गया है। कल्प जो है, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। निरुक्त जो है वो वेद के स्रोत हैं। छंद जो है वेद का पैर कहा गया है। और ज्योतिष जो है उसे वेद का नेत्र कहा गया है। इतना डीप में नहीं जाना है, आपको बता दे रही हूँ। बस वेदांग कितने होते हैं? छः, इतना आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप थोड़ा सा जाना है तो शिक्षा, इनके नाम क्या क्या है वेदांग के? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। और जब कोई और बड़ा एग्जाम पूछा जाना है, हो सकता है उसमें ये पूछ लिया जाए, बस ये सब पूछा नहीं जाता है। आपको कितने वेदांग होते हैं? छः हैं। और कौन कौन से नाम है बस आपको इतना पता होना चाहिए। विष्णु के अवतार ये पूछे जाने वाले नहीं, बस यहाँ पे ऐसे लिख दिया था आपको दिखाने के लिए। आगे देखते हैं। तो राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। किसका? राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। निरुक्त में, पंचजनों में। पंचजन कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में निषाद शब्द को और जोड़ दिया तो यहाँ पर ये पंचजन बन गए। तो इनकी गणना कहाँ? निरुक्त में की गई है। सरदर्शन का बीजारोपण जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अभी सरदर्शन आपको मैंने याद कराए थे, वही हैं, योग पतंजलि वगैरह सब कुछ बताया था, वो सब चीज़ें। श्राद्ध प्रथा का सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया, दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके पुत्र थे निमि, उन्होंने किया था। किसका? श्राद्ध प्रथा का, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आज भी हम लोग श्राद्ध वगैरह अपने पूर्वजों को देते हैं। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद के स्थल को जो क्या है, नरिष्ठा कहा जाता था। सामूहिक वाद विवाद तो आज भी हमारे यहाँ होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिबेट्स होती हैं, तो वो सभी चीज़ें उस टाइम में भी हुआ करती थी। अब देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता के बारे में थोड़ा सा। तो ऋग्वेदिक कालीन ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदिक कालीन कौन कौन से देवता और उनके क्या क्या प्रतीक हैं। तो इंद्र की बात करते हैं, तो इंद्र जो है युद्ध एवं वर्षा के देवता माने गए हैं। वरुण की बात करते हैं, तो वरुण जो है समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता, ये सभी वरुण को माना गया है। द्यो के देवता, मतलब द्यो को जो है आकाश के देवता माना गया है। सोम जो है वनस्पति और जंगल, कभी कभी वनस्पति के साथ, हो सकता है वनस्पति ना लिखा हो, जंगल लिखा हुआ, तो सोम को वनस्पति और जंगल का देवता माना गया है। ऊषा जो है, ऊषा देवी हैं, उन्हें प्रगति एवं उत्थान के देवी कहा गया है। अश्विनी हैं, अश्विनी जो देवता हैं वो विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। अगर किसी को विपत्ति संकट कुछ आ जाता है तो उनको हरने वाली अश्विनी है, ऐसा माना जाता है। पूषण की बात करें, तभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, पूषण जो है पशुओं के देवता हैं। विष्णु की बात करें, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। कौन? विष्णु, जिनका भी दस अवतार आपको दिखाए थे। मारुत की बात करें, मारुत जो है आंधी के देवता है, आंधी एवं तूफान के देवता है मारुत। इसके बाद हम देखते हैं ग्रस्तों द्वारा आयोजित पंच महायज्ञ। तो जो लोग ग्रस्त जीवन जीते थे उनके द्वारा कुछ यज्ञ किए जाते थे। कौन से यज्ञ थे? वो पांच महायज्ञ हैं, और पांचों यज्ञों के यहाँ नाम देख लेते हैं। तो ब्रह्मयज्ञ विधान जो है प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। देवयज्ञ जो किया जाता था वो देवताओं की पूजा के लिए किया जाता था। पितृयज्ञ की बात करें तो पितरों को तर्पण देने के लिए किया जाता था। नृयज्ञ की बात करें, नृयज्ञ जो है अतिथि को सत्कार करने के लिए, उनके स्वागत के लिए नृयज्ञ किया जाता था।
भूत यज्ञ की बात करते हैं तो भूत यज्ञ जो है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए ये यज्ञ आयोजित किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा ग्रस्तों द्वारा आयोजित किए वाले पांचों यज्ञों के बारे में। तो आज हमने हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक क्लियर किया है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में आपके साथ में। कल आपके लिए लेकर आए थे सिंधु सभ्यता का वीडियो, आज मैंने आपको वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाया। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है जैन या फिर बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चैनल पर लगातार आपको पढ़ाती रहूँगी। अभी पेट एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है इसके बाद में कोई और एग्ज़ाम आएगा तो उसके बारे में वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।